दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। कांसा आपने सुना है, देख शायद देखा भी हो कहीं किसी के घर में। तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले 1-2 वर्षों में ये बातें गांव-गांव में कहना शुरू किया है तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। गांव वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाए, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें। अब मैं आखिरी बात जो आज की कह रहा हूं वो ये, मैंने पिछले 2 वर्षों में, मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये। तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो, चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब। मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे, अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमरीका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो फिर भी झक मार के वापस आओ, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं, तो आप देख लो। तो जो गंभीर मरीज है वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहेंगे। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट शुगर यूनिट 480 के ऊपर है, ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में। मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बर्तन ले आओ और शुरू करो। अब बर्तन लाने में तकलीफ हुई तो कुम्हार को ढूंढना पड़ा, तो लेकिन मिल गया। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए, बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के, और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के, रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बाघवट सच में महान आदमी थे। वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूर्य का प्रकाश ना जाए, पवन का स्पर्श ना हो, तो वो आपके लिए अमृत तत्व है, भोजन नहीं है,
वो अमृत जैसा है। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है, आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाए। आभार, धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।